नमस्कार, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं द ट्राइब हंट। आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आए हैं जिसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। ये एक ग्रैंड विटारा का टॉप मॉडल है जिसमें कि पैनोरामिक सनरूफ आती है। इसकी पूरा वॉक अराउंड होने वाला है, पूरी डिटेल्स होने वाली है, कितने की ऑन रोड पड़ती है मेरठ के अंदर। अभी हम लोग हैं नेक्सा राधा गोविंद पे और हमारे साथ में है सौरभ शर्मा जी। तो सौरभ भैया हमें अटेंड कर रहे हैं और सारी डिटेल्स जो है इस गाड़ी की वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे। फटाफट से आपको 360 इसका व्यू दिखा देता हूँ। इसके अंदर आता है 360 कैमरा और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं क्योंकि ये टॉप मॉडल है विद सनरूफ और ये डुअल टोन में आती है सबसे पहली चीज़। तो इसके पहले आपको सबसे पहले इसका 360 आपको मैं वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे इसके डिटेल्स की। ऑन रोड की अगर हम बात करें विद 5 ईयर वारंटी, बेसिक किट, इंश्योरेंस सब कुछ लगा करके, मेरठ में जो गाड़ी अभी आपको पड़ रही है ऑन रोड 18.5 लाख, साढ़े अठारह लाख की ऑन रोड पड़ रही है ये गाड़ी अभी, जिसमें आपको सभी चीजें मिल रही हैं, 5 साल की वारंटी भी मिल रही है, इंश्योरेंस। तो ये पूरी जो एक किट होती है इसकी वो सब कुछ लगा के, बेसिक किट वगैरह सारी चीजें लगा करके आपको ये ऑन रोड पड़ेगी और सारी एक्सेसरीज वगैरह लगा, जो भी इसकी बेसिक आइटम्स हैं वो सब। और अगर किसी को इसमें एक्सेसरीज ना लेनी हो, एक्सेसरीज ना लेनी वो एज पर योर चॉइस होता है, वो फिर जितना भी प्राइस है वो उसमें से लेस हो जाएगा। बिल्कुल, जो आपके कन्वीनियंट है या आप चाहें कि मुझे ये लगवाना है, आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर, आपके थ्रू कोई आता है तो हम उसे लगभग 4 महीने में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, 3 से 4 महीने हो, भैया ने मेरे को भी काफ़ी जल्दी दे दी थी, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोस में। तो आप आओगे अगर तो रेफरेंस दे के आ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आपकी स्क्रीन पे है ऑलरेडी। तो अगर आपको जल्दी है थोड़ी सी नेक्सा की कोई भी गाड़ी तो भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरठ के अंदर राधा गोविंद गढ़ रोड पर ये शोरूम है और यहाँ पर एक बार विजिट कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव वगैरह सब भैया अवेलेबल करवा देंगे आपको। और जो सर्विस है भैया के थ्रू लोगे, बहुत अमेजिंग सर्विस। इसकी चाबी की अगर मैं बात करूँ तो दो आपको ऐसी वाली कीज़ मिल जाती हैं, सेम की है जो कि डेल्टा में है, तो की का कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी फिनिशिंग वगैरह एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी इसको ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का। ये बिल्कुल सेम है मेरी वाली गाड़ी के साथ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें कोई फीचर का डिफरेंस है क्या? नहीं, इसमें कोई फीचर का डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस जो आएगा आपको, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब वही इन्फॉर्मेशन सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, वही सेम डिस्प्ले मिलेगी, वही सारी फीचर्स मिलेंगे। ठीक है। और इसमें जो मेन फीचर्स का डिफरेंस है वो एक बार हमें बताइए भैया। बिल्कुल, अगर इसमें डिफरेंसेस की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें आपको लेदर जो ये टच दे दिया है यहाँ पर, ये वाला डेल्टा में लेदर दिया, हाँ गेट्स पे भी लेदर दिया हुआ है, गेट्स पे भी लेदर दिया है, पियानो फिनिश भी दे दिया है यहाँ पे। हाँ, जो ये वाली फिनिश है गेट की, जी जी, वो गेट की पियानो फिनिश दी गई, पियानो चैंपियन गोल्ड लेदर में दे दिया है। और अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो ये लेदर रैप्ड, ये कंपनी फिटेड आएगा आपका, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा, लेदर अपोजरी आ जाएंगी जो डेल्टा में नहीं मिलेगी आपको, जो सीट्स वगैरह है वो भी लेदर की आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बराबर में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा पियानो फिनिश दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक सिस्टम उसमें 7 इंच आता है, इसमें 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस दे दिया गया है। अच्छा, हाँ, विद आर्कमिस साउंड सराउंड। ओके, अगर बात करें तो एंड्रॉइड ऑटोस, इसमें स्पीकर्स कितने? इसमें 6 स्पीकर्स हैं, यानी कि 4 स्पीकर्स और दो ट्विटर्स। तो 4 स्पीकर तो गेट में और दो ट्विटर साइड्स में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो प्लेसमेंट है वो ट्विटर का है। बाकी ये वाला जो पार्ट है वो भी पियानो ब्लैक में है, क्योंकि मेरी वाली में ये सब रगेड आता है प्लास्टिक का और ये थोड़ा सा देखने में ना बेटर लगता है। बिल्कुल। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको डेल्टा में भी मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें भी मिल रहा है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप क्रूज कंट्रोल वो आपको डेल्टा मॉडल में मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्सेसरी सॉकेट के साथ साथ चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट तो डेल्टा वाला सेम है बिल्कुल। जी जी। बाकी इसके अलावा इसमें 360 कैमरा भी आता है, 360 डिग्री व्यू कैमरा इसमें आ जाएगा, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। 360 डिग्री जो कैमरा है उसकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है, तो उसको व्यू करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है और ये बाकी सब डमी दिया गया है और इसमें ये भी सब डमी है। ऑटो डिमिंग IRVM इसमें दे दिया गया है, रात में पीछे से अगर लाइट पड़ रही है तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेगा। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं क्या? इसका जो एंगल वगैरह है इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपको ये अंदर से ही दिख रहा है, 80 डिग्री हो गया होता है यहाँ से। और इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो भी यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डिटेल्स हैं, इसकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स आपको फ्रंट व्यू देखना है, ये सारी चीज़ें कौन सा उसमें सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड और फ्रंट देखना है तो भी आ जाएगा, फ्रंट देखना है तो भी आ जाएगा, रियर्स देखना, रिवर्स देखना है तो भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे ऑन करना होगा फिर वो सेटिंग चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें इल्यूमिनेटेड आता है, आते हैं आई थिंक ये सब कंट्रोल्स। जी,
तो अभी जैसे कि मैंने हेडलैम्प्स ऑन किए तो ये सब कुछ ऑन हो गया, यहाँ पे भी लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो गई। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें और जो अपना डेल्टा वेरिएंट है उसमें सिर्फ लेदर स्टीयरिंग का फ़र्क है, बाकी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सेक्शन है, ये बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम का और ये इधर क्रूज़ का, ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी इसके अंदर आ जाता है ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प, वो सेंसर बेस्ड होता है, जैसे ही अंधेरा लगेगा तो सेंसर अपने आप ही लाइट ऑन कर देंगे। हाँ, इसके अलावा इसमें जो वाइपर्स है, एक बार भैया वाइपर का बताइए, क्योंकि वाइपर में मैं देख रहा हूँ काफी सारे इसमें जो वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वाइपर्स एक तो नॉर्मल है ये आपका, इसमें ये फास्ट और स्लो करने के लिए मोड दिए हुए हैं। ये वॉशर का है क्या? जी वॉशर, ये रियर वॉशर वाइपर का हो गया, यहाँ से ये इंटरवल चेंज करने के लिए हो गया, ये इंटरवल की स्पीड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डेल्टा में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं और इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बाकी आपको सनग्लास होल्डर इसमें मिल जाता है। अगर वैनिटी मिरर की बात करें तो वैनिटी मिरर इसमें आपको मिलेगा विद लैम्प, और ये दोनों साइड है शायद, हाँ, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको वैनिटी मिरर विद लैम्प मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज इसमें जो हमने पैनोरामिक सनरूफ दी है, इसका ये तो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें जो है ये जो है आप किसी भी कार में इतना बड़ा नहीं मिलेगा। अब ये पूरा ओपन होगा बिल्कुल, और इसकी पूरी ओपनिंग दिखाते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो कर्टेन है, कर्टेन पीछे जाता है बिल्कुल, और अभी रुक गया, एक बार और करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ कर्टेन हटाना हो तो सिर्फ इसको एक बार कर दो, और पूरा खोलना हो तो इस तरह से ये पूरा वाइड ओपन होता है, अभी यहाँ पे जाकर रुक जाता है। इसके अलावा इसके बाद अगर हम एक बार और प्रेस करते हैं इसको तो इतना ज़्यादा वाइड ओपन होता है जिसमें कि हम आगे से भी और पीछे से भी आराम से निकल सकते हैं दोनों बंदे। ऑल दो दिस इज़ रिस्की, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बट ठीक है, शौक है, अपने अपने पैसा खर्च कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल निकलो। बंद कर देते हैं फिलहाल सनरूफ को, और जो सनरूफ की क्लोजिंग है वो इस तरह की है कुछ। एक बार मैंने इसका बटन दबाया आगे और ये पूरा जो ग्लास है, इसका ग्लास वाला एरिया वो बंद हो चुका, और सेम चीज़ दोबारा दबाएंगे तो इसका ये जो कर्टेन है, कर्टेन भी इसका आ गया स्लोली स्लोली और ये बंद हो जाएगा। इसके भैया कुछ रूमर्स उड़ रहे थे इसके टॉप मॉडल के, कि यहाँ पे जो कर्टन है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये बड़ा हल्का पर्दा सा लगा रखा है, और यहाँ पे ना मतलब ये धूप रोक नहीं पाएगा, तो गर्मियों में टेम्परेचर वगैरह का ऑटोमेटिक एसी जो दिया हुआ है उसका यही बेनिफिट है, आपकी पूरी कार का जो केबिन का टेम्परेचर वो मेंटेन रखने के लिए ही दिया हुआ है, तो ये आपको कहीं भी ये चीज़ें नहीं लगेंगी कि आपको इसकी वजह से गर्मी लग रही है। इसकी जो सीट है ड्राइवर साइड, इसकी मैनुअल सीट आती है, कोई भी ऑटोमेटिक सीट का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। लेके चलता हूँ इसकी रियर प्रोफाइल पे, बैक में इसके क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। तो चेंजेस की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा प्लास्टिक वाला पार्ट आता है सारा का सारा, और इसमें जो है वो ये लेदर है विद सॉफ्ट टच, ये बहुत प्यारी चीज़ है, और इस पे जो फील है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। ये सारा प्लास्टिक है, रगेड प्लास्टिक है, ये सब सेम है बाकी पार्ट, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये वाला है पियानो ब्लैक में, और इसके अंदर भी ग्लिटर है, क्योंकि नेक्सा के जो ये कलर हैं जो ग्रैंड विटारा पे दिए उनमें ग्लिटर दिया गया है, और इसमें भी आपको दिख पा रहा हो कि कैमरे में नहीं, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ इसमें ग्लिटर है, और ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मेरे वाले में ये वाली चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी रगेड प्लास्टिक आती है। बाकी एक बार भैया से पूछ लेते हैं पीछे वाले में क्या क्या चेंजेस हैं। पीछे वाले में एक तो आपको यहाँ पर पीछे वाले में तो बेसिकली यही चेंजेस है, और मेरे को एक चेंज और दिख रहा है इसके अंदर, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सिल्वर लाइन है ये वाली गाड़ी के साथ में, बाकी इसके अंदर दो पीछे चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, दोनों यूएसबी हैं या फिर दोनों टाइप एक सी टाइप है, एक सी टाइप है कि यूएसबी जैसा डेल्टा में है वैसा ही है, उसके नीचे मोबाइल रखने के लिए थोड़ा स्पेस है, तो ये वाला स्पेस है। बाकी मैं अगर करूँ इसके लेग रूम की बात, तो आगे वाली सीट जो है वो पूरी पीछे की हुई है मैंने, और मेरे को इतना कुछ लेग रूम मिल रहा है कि यहाँ पे इतना स्पेस है। बाकी अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट मेरे को इतना मिल रहा है कि लाइक अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे भी जाता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और थकान की तो खैर SUV गाड़ी है तो उसमें थकान तो होती नहीं है, तो इस तरह से ही बैठता हूँ, तो मेरी अंडर थाइज जो है वो ऑलरेडी लाइक काफ़ी सपोर्टिव है, और आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि ऑलरेडी लेदर में है विद कप होल्डर, एग्जैक्टली टू इनका फोल्डर। और इसमें अगर लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स यहां पे साइड में मिल जाती हैं जैसा कि सेम डेल्टा वेरिएंट में है, और कोर्ट का जो हुक है वो सिर्फ एक साइड मिलता है राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में नहीं मिलता। बाकी अगर सनरूफ की बात करूं तो सनरूफ का व्यू जो बैक साइड से आता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये तो लाइक मेरा बजट नहीं था इतना, वरना मैं यही वाला वेरिएंट लेता, मेरे को उसका सनरूफ पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है इसका बूट, और इसका बूट अगर हम ओपन करें तो बटन दबा के यहाँ पे भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो सेम है ये वाला सेक्शन तो कैमरे के साथ में। बाकी
ये वाला जो कैमरा है ये वाला 360 डिग्री कैमरे में भी काम आता है। बाकी जो तीन कैमरे हैं उनकी प्लेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका 360 कैमरा, एक कैमरा तो इसके बूट पे है, एक कैमरा यहाँ पे प्लेस्ड है इसका, ये वाला। दूसरा कैमरा साइड में दूसरे ORVM पे है, और एक कैमरा इसका यहाँ पे प्लेस्ड है आगे सुजुकी के लोगों के नीचे। और ये सब कैलिब्रेशन होने के बाद में 360 व्यू आपको दिखाते हैं। बाकी इसके अगर मैं फॉग लैंप्स की बात करूँ तो फॉग लैंप्स इसके नहीं आते, लेकिन इसके अंदर हेडलैम्प जो है वो हेडलैम्प इसका वाइट कलर में आता है LED। टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल सेम है इसका 17 इंचेस, और ये है 215/60R17, और इसमें अलॉय व्हील्स हैं, जो कि अब अलॉय व्हील्स इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका आ जाता है 373 लीटर्स। और इसके अलावा ये वाला जो लाइट है वो भी सेम है, हमारी भी ये मैनुअल लाइट है बटन से। इसके अलावा जो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे, ये मेरे को पर्सनली काफ़ी यूज़फुल लगा क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी है। और मैंने एक वैक्यूम क्लीनर परचेज़ किया हुआ है गाड़ी को साफ़ करने के लिए। जब मैं बूट को साफ़ करता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती बूट तक तार पहुँचाने में, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा के और बड़े ईजिली ना पूरा बूट साफ़ कर लेता हूँ। इसमें फ्रीजर भी आप रख सकते हो, छोटा फ्रीजर। एग्जैक्टली, भैया ने बहुत सही चीज़ बोली कि अगर आप लंबी ट्रिप पे जा रहे हो और ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट है तो आप फ्रीज़र बूट में रखो, क्योंकि बहुत एक ह्यूज स्पेस है बूट में। तो अपना फ्रीज़र रखो और 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो यहाँ पे लगा लो, आपको आगे तक तार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्फा मॉडल है, अल्फा विद डुअल टोन। डुअल टोन क्या, ये जो रूफ ब्लैक है इस वजह से? हाँ, ये व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ का कॉम्बिनेशन है, इससे कार की प्रीमियमनेस और भी ज़्यादा इनहांस हो जाती है। अच्छा, है ना, और थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आ जाता है। एग्जैक्टली, ये तो खैर मेरे को पर्सनली बड़ी अच्छी लग रही है। बाकी मैं व्हाइट कलर की भी देख पा रहा हूँ उधर की साइड। हाँ। तो व्हाइट और इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। वो सिंगल टोन व्हाइट है और ये वाला डुअल टोन है, व्हाइट विद ब्लैक। नीचे का पार्ट इसका व्हाइट है और ऊपर जो रूफ है इसकी पूरी ब्लैक दी हुई है, तो वो बहुत एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। यहाँ पे एक ये क्रोम की जो एक पट्टी दिख रही है आपको, ये फिनिश बहुत प्यारी लग रही है, ये गार्निश, तो ये भी एक इसमें एड ऑन पार्ट है आई थिंक। हाँ, ये डेल्टा में नहीं आएगा। तो इसका भी प्राइस का कितना डिफरेंस आता है? प्राइस डेल्टा से और इसमें अगर हम बात करें तो डेल्टा लगभग 14.5 लाख का बैठेगा, और आपका अल्फा मॉडल 18.5 लाख का बैठेगा, तो 4 लाख का। डेल्टा नहीं, जो डुअल टोन है, डुअल टोन में 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। अच्छा, 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे डुअल टोन लेने के लिए। इसमें कलर कौन कौन से अवेलेबल हैं? कलर ब्लैक के रेड विद ब्लैक आ जाता है, सिल्वर विद ब्लैक आ जाता है, वाइट विद ब्लैक आप देख ही रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो बॉडी है वो कलर चेंज करेगी लेकिन रूफ कलर चेंज नहीं करेगी, रूफ ब्लैक रहेगा इसमें। और सारे वेरियंट्स में जो सनरूफ है वो सब कुछ सेम मिलेगा, राइट? हाँ, वो सनरूफ सेम मिलेगा, राइट। तो इसमें कोई भी स्मॉल जो छोटा वाला सनरूफ आता है उसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें पैनोरामिक ही सनरूफ है इस गाड़ी में। और ये अल्फा मॉडल से अवेलेबल होता है सनरूफ? अल्फा मॉडल में आता है, या अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो उसमें जीटा प्लस से आ जाएगा, जीटा प्लस और अल्फा प्लस दोनों में। और उसकी कितनी कॉस्टिंग होगी? उसकी कॉस्टिंग अगर बात करें, अल्फा प्लस बैठेगा आपका 22,83,000 रुपये के आसपास ऑन रोड, मेरठ के अंदर, मेरठ के अंदर। और दूसरे वाला वो 21 लाख के आसपास बैठेगा आपका। अच्छा, और वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो उसमें माइलेज आई थिंक 27 का है ना? माइलेज उसका 27.97, लगभग 28 का माइलेज क्लेम कर रही है। अच्छा, उसकी बैटरी की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? बैटरी की प्लेसमेंट पीछे बूट में ही है, तो उसका बूट का साइज जो है वो कम हो गया होगा, थोड़ा कम हो जाता है। अभी ये वाली जो हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इसका मैं बैजिंग यहाँ पे है, बूट ओपन करके दिखाता हूँ फटाफट से। तो इसका बूट स्पेस आपको थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे नहीं मिलता, वो मिलता है नीचे गाड़ी के नीचे। और यहाँ पे मिल जाती है इसकी टूल किट, और ये वाला सेक्शन है जो कि लगेज रखने के लिए है। बाकी ये वाली चीज़ें सेम है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला रिमूव हो सकता है, और रिमूव करके बाहर निकालते हैं अगर तो हमें मिलता है ये वाला मैसिव एक थोड़ा सा लाइक बैटरी कंपार्टमेंट है ये। और जो इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की जो बैटरी है वो यहीं पर प्लेस्ड होती है, जिससे कि ये बैटरी पर भी रन करता है और पेट्रोल पे भी। थैंक यू सो मच भैया, इतना अपना समय देने के लिए, इतना और सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, इसकी सारी ऑन रोड प्राइस से लेकर और जो भी फीचर डिफरेंसेस है वो बताने के लिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो यार किसी की तो भैया को रीच आउट करने के लिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं भैया का नंबर, लोकेशन, भैया का नाम, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैं तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आपको मुझसे पूछनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और कुछ बात अगर आपको कुछ कहना हो? बस थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय बाय।